अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी रिलायंस पावर ने कमाल कर दिया है। कोरोना संकट के बीच सितंबर की खत्म तिमाही में कंपनी का मुनाफा 2 गुना से ज्यादा हो गया है। कंपनी को 105 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। कंपनी ने गुरुवार को शेयर बाजार को ये जानकारी दी है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर के तिमाही में रिलायंस पावर का नेट प्रॉफिट 2 गुना से अधिक होकर 105 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इसे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में कंपनी का नेट प्रॉफिट 45 करोड़ रुपए था। सितंबर तिमाही में कंपनी की कुल आय 2626 करोड़ रुपए रही। इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में ये 2239 करोड़ रुपए रही थी। इस तरह कंपनी की कुल आय में करीब 17.3% की बढ़त हुई है। हैरानी की बात यह है कि कंपनी के ऊपर भारी कर्ज है और ये कर्ज उसके कुल एसेट से भी ज्यादा है। कंपनी का कहना है कि एलपीजी के उपकरणों को बेचकर कंपनी को पर्याप्त कैश इकट्ठा करने का भरोसा है और कंपनी अपने कई और सब्सिडरी के एसेट बेचेगी। रिलायंस पावर ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान बिजली की मांग में भारी गिरावट आई थी, खासकर इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल कंज्यूमर सेगमेंट में, लेकिन लॉकडाउन के प्रतिबंध हटने के बाद बिजली की मांग समान स्तर तक पहुंच गई। दोस्तों, रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के मुखिया काफी मुश्किल में चल रहे हैं। ऐसे में उनकी कई कंपनियों की हालत खस्ता है और वो खुद एक चीनी बैंकों से लोन बकाए मामले में ब्रिटेन की अदालत में मुकदमा का सामना कर रहे हैं। ये खबर उनको काफी राहत देने वाली है, काफी तो नहीं, थोड़ी राहत तो जरूर देगी। तो दोस्तों, ये है बहुत ही अच्छी और बहुत ही खुशखबरी देने वाली शेयर होल्डर को एक गुड न्यूज। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।